गवर्नमेंट कास्ट सेंसस अगले साल ला रही है, नहीं तो फिर रशीदी जी बोलेंगे देखो डिबेट कर दी। अरे जो नेता करते हैं पत्रकार उसी पे करते हैं भैया, अखबार हो टीवी हो जो भी हो मीडियम चेंज होता रहता है। रत्नाकर जी, इन्होंने ब्राह्मणों पे भी बोल दिया, इन्होंने सब पे बोल दिया, आपका क्या स्टैंड है? ये बटोगे कटोगे से पिटो पे आ गया। अनंत विजय जी को भी रखिए मेरे को हटा के। हाँ त्रिपाठी जी, देखिए फुल 3 मिनट्स टू यू। माननीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कायर कमन एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। डरे हुए लोग हैं, धर्म का सहारा लेंगे, भगवान का सहारा लेंगे, हिंदू का सहारा लेंगे, कहाँ जाएंगे? अब आप खुद सोचिए, बौद्धिकता का अत्युत्तम लेवल दिखा मुझे अनंत विजय जी में। कितनी सफाई से उन्होंने कहा कि वो कटेंगे कटेंगे नहीं है, लेकिन जो पीटेंगे वो पीटेंगे है। सॉरी, वो जैसे प्लीज बीच में मत बोलिए, जैसे कि वो कटेंगे जो कहा गया है, वो शकुंतला को भवरा छेड़ रहा हो, सखी भवरा मुझे काट रहा है, और ये पीटने वाला हो तो कहे माली पूरा गांव मुझे पीट रहा है। धन्य है अनंत विजय जी, गजब आपकी व्याख्या है। और मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि अजय आलोक जी जो है वो लगातार अपनी सरकार की विफलताओं के बारे में क्यों बता रहे हैं। अरे माननीय अजय जी, पूर्णिया किशनगंज कटिहार अररिया बिहार में है, भाजपा की सरकार है। बांग्लादेश से अगर झारखंड में और बिहार में आ रहे हैं लोग, तो केंद्र का देखना काम है कैसे आ जा रहे हैं। क्यों आपकी गवर्नमेंट इतनी फेल्योर है भाई कि बिहार में भी आ जा रहा है, झारखंड में भी आ जा रहे हैं? अब आप झारखंड नहीं रोक पा रहे तो बिहार भी नहीं रोक पा रहे हैं। सरकार प्रदेश में आपकी, ऊपर आपकी। हाँ, अब माननीय नाहिदा नाहिद जी ना, देखिए मनु शास्त्र को पढ़ लीजिएगा, ब्राह्मण ही मनुवादी नहीं होता है। मनु को पढ़िए फिर टिप्पणी कीजिए। देखिए कैसे मनु कट रहा है, आज आपको बता दें नाहिद जी, कौन मनु कटा? मोहित पांडे को चिन्हट थाने में मार दिया गया, नाहिद लहरी खान मारा गया, कस्टोडियल डेथ। क्या इंस्पेक्टर या उनके घर पे बुलडोजर चला? ऐश्वर्य जी नहीं चला। इस देश की स्थिति यह है कि कानपुर के डीएम के कंपाउंड में महिला को मार के लाया जाता है, 6 फुट नीचे गाड़ दिया जाता है, डीएम आवास के कंपाउंड, और उस पर कुछ नहीं होता है। इसमें मुसलमान इन्वॉल्व थे क्या ऐश्वर्य जी? आपके यहां जितनी कस्टोडियल डेथ हो रही है, और सुनिए सम्मान देखिए मनुवादियों का और हिंदुओं का। मैंने अभी बोला था जय लोक से एक बार, विवेक तिवारी जो एप्पल का एग्जीक्यूटिव था, उसको पुलिस ने गोली मार दी, और उसके भाई को, उसकी पत्नी को योगी जी ने अपने घर पे बुलाया। अब बात की, गए नहीं क्योंकि ब्राह्मण था, ठाकुर होता तो जाते। मोहित पांडे के परिवार को भी घर पे बुलाया, 10 लाख रुपया दिया, ठाकुर होता तो जाते। विनीत सिंह के यहां जाएंगे, ब्रजेश सिंह के यहां जाएंगे, उदयभान सिंह के यहां जाएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह को बुला के बात करेंगे, उनके घर जाएंगे। पांडे त्रिपाठी शुक्ला ये जो मनुवादा बता रही थी ना, ओके, वो ये बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी नहीं है मैडम। बाकी सारे बान बिलू ब्रजभूषण शरण सिंह के घर नहीं जाएंगे, इतना तो राजनीति आप भी जानते हैं। गए हैं नहीं, अब नहीं जाएंगे। शरण सिंह तो उनको ले, सुनिए सुनिए, वो पहले की बात है, अब नहीं जाएंगे। अरे अभी आप इतनी पॉलिटिक्स से अपने आप को डिस्कनेक्ट मत कीजिए, रिलैक्स। ओके रत्नाकर, अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए, अब नहीं जाएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के। हाँ आप समझिए राजनीति आपको। अरे बात सुनिए बीच में, अरे अरे कितना बोलिएगा, 4 मिनट हो गया गुरु। अरे कहा नहीं बोलूंगा, गजब आदमी है। तो इस बात से मुतमईन रहिए। हाँ, सटोगे भाजपा से तो कटोगे, और हर जगह कटोगे। जहां भी भाजपा पाएगी काट देगी तुमको। भाजपा का जो वोट जिहाद कर लीजिए, वोट युद्ध कर लीजिए, वोट के लिए गिड़गिड़ाना रियाना कर लीजिए, वो इस लेवल पे है कि वो हिंदुओं को किसी तरह से धनंजय सिंह से लेके ब्रजेश सिंह से लेके तमाम सिंहों के नाम गिनाएंगे। और देखिए इन्होंने मेरी बात को एकदम, धन्यवाद रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपने याद किया मेरी बात को, दोहराया, आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं साजिद रशीदी जी के दो बात पर मुझे गंभीर ऑब्जेक्शन है। एक तो इन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मनाही है, और मैं इस पर आपत्ति जताता हूँ कि उस शब्द का उपयोग ये भविष्य में किसी भी सार्वजनिक चैनल
विकल्प न करे तो अगर मेरे ध्यान से हटा तो मैं माफी चाहता हूँ, बिल्कुल उसको एक्सपेंज किया जाए, उसको हटा देंगे। हाँ, उसको हटा दीजिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की भी जवाबदेही है इस तरह की। क्या बोल दिया मैंने ऐसा? नहीं नहीं, आप रिपीट मत कीजिए। अरे क्या बात है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको अलग से, मैं अलग से ऐश्वर्या जी को बता दूंगा आपको, बिल्कुल हटा रहे उसको। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ रसीदी साहब कि यहाँ बैठ के अफवाह और भ्रम न फैलाएं आप। मनुवाद को, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को अगर आपको समझ नहीं है तो कृपया अपनी समझ को दुरुस्त करें। इधर उधर की बातों को सुनकर बेमतलब की हिंदुत्व और हिंदुओं पर टीका टिप्पणी करने की मुझे लगता है कि दुस्साहस आपको नहीं करना चाहिए। ना आप मनु को जानते हैं, ना मनुवाद को जानते हैं, ना ब्राह्मणवाद को जानते हैं, इसलिए खामोश रहकर अगर आपको हिंदू धर्म पर बोलना है, सनातन पर बोलना है, तो कृपया उसके बारे में पढ़ लिख कर बोला करें, नहीं तो निहायत बेवकूफाना लगता है। दूसरी बात आपने ये कही कि 800 लोगों की लिंचिंग हुई है, किस आधार पर ये कह रहे हैं आप 800 लोगों की लिंचिंग हुई है? अनेरे कुछ भी बोल देंगे आप चैनल ने अगर आपको बिठा दिया तो, जो मुंह में आएगा उन जलूल बोलते चले जाएंगे आप। ओके, और आप अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर बोलेंगे? इस तरह की चीजें ना बोलिए। यही पॉइंट है, यही पॉइंट का उपक्रम कर रहे हैं।